नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा ही हास्यास्पद नज़ारा देखने को मिला। बुधवार सुबह से ही यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचकर काफ़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं गारंटी कार्ड की मांग करने लगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर महिलाओं को 1-1 लाख रुपये की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार बनने के लिए बहुमत भले ही अभी तक जुटा नहीं पाई है, लेकिन इसको लेकर अब हलचल शुरू हो गई है। नतीजा आने के बाद बुधवार सुबह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर लाइन में लग गई थीं। महिलाओं का कहना था कि कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसको लेने वह लोग आए हैं। महिलाओं का आरोप था कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। गेट पर मौजूद लोगों ने कहा कि अभी उनके कार्ड उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें सरकार बनने के बाद 1 लाख रुपए की बात कही गई थी। चुनाव से पहले बड़ी संख्या में ये कार्ड लोगों को बांटे भी गए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस की घोषणा के बाद जब से परिणाम आए, लोगों में गारंटी कार्ड को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। अब कांग्रेस के सामने भी मुश्किल है कि सरकार तो बन नहीं रही है। ऐसे में चुनाव से पहले गारंटी कार्ड की घोषणा को लेकर जनता को कैसे समझाया जाए? लोग लगातार आकर गारंटी कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं और कांग्रेस खुद बहुत ज़्यादा पशुपश में है, क्योंकि यह स्वस्थ राजनीति नहीं है। आपने बिना सरकार बनाए ही इस तरह की अर्गल घोषणाएं कर दी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी मशहूर है। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।